मेरा क्वेश्चन था तहसीन सर से कि आपने बोला कि 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, आप लोग संविधान की बात करते हो, संविधान तो 26 नवंबर में और 1949 में आया, तो उससे पहले उन्होंने शपथ किसकी ली थी? उन्होंने क्वीन के नाम की शपथ ली और लॉर्ड बेटन झंडे के नीचे, मतलब इंडिया का तो तब कुछ था भी नहीं और उन्होंने पहले ही ले ली और इलेक्शन भी नहीं हुए थे, वो तो कांग्रेस की कमेटी ने ही आपने वोट दिए थे और उसमें 14 वोट, एक सेकंड बेसिक चीज है हमें समझना चाहिए, सुन लीजिए एक बार उनकी बात, 14 वोट मिले थे सरदार पटेल को, 1 वोट मिला था आजाद को, कहां पर सर जो इलेक्शन में 46 1946 1948 तक आचार्य कृपलानी था वो चुनाव जीते थे ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है सर, यूनिवर्सिटी नहीं है अगर यूनिवर्सिटी होती ना तो आज बोलना बाहर हो, चेंज नहीं कर सकता फैक्ट को यार, आप गूगल कर दीजिए आचार्य कृपलानी, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, ये चीज जो बीजेपी ये जो झूठ है अरे कांग्रेस के प्रेसिडेंट फिर प्रधानमंत्री बनते, प्रेसिडेंट कृपलानी थे वो चुनाव जीते थे, कौन सी बात हम कहा ले जाते? आपने ये कहा कि कृपलानी जी उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस जब भारत आजाद, विच इज रॉन्ग, आचार्य कृपलानी नहीं, आचार्य कृपलानी बाद में अध्यक्ष बने, 46 में बने 47 जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए उसके पहले, उसके बाद कृपलानी जो है वो अध्यक्ष बने हैं, ये चुनाव हुआ था नेहरू और पटेल के बीच में, डेट बता दीजिए चुनाव का, पटेल ने नामांकन वापस ले लिया था, चुनाव का डेट और नेहरू अध्यक्ष बने, सुनिए ना, और उसके बाद मैं गलत या वो गलत, आप मुझे उसके बाद आचार्य कृपलानी अध्यक्ष बने, ओके आप मुझे ठीक है इलेक्शन हुआ था, आप मुझे वेन्यू डेट टाइम बता दीजिए कांग्रेस का, आप उसके मिनट्स बता दीजिए, मैं आपको इतना बता रही हूं, आप बताइए डेट, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, अरे मैं आपको डेट बता रहा हूं, आप डेट बताइए, अप्रैल 1946 20 अप्रैल 1946 में कृपलानी बने थे, नहीं बने थे तहसीन पुनावाला, जो आप मौलाना आजाद की बुक में रिफर कर रहे हो, जुलाई 1946 में कृपलानी अध्यक्ष बने थे, एग्जैक्टली माई पॉइंट, जुलाई 1946, तो प्रभु अप्रैल में जून जुलाई 3 महीने बीतने के बाद हुआ ना, तो जब